मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। इस वक्त चौरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों के समर्थन में बढ़ती महंगाई के विरोध में चौरी कांग्रेसियों द्वारा किया गया विशाल धरना प्रदर्शन और चक्का जाम। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किया गया चक्का जाम। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छिंदवाड़ा जिले के चौरी तहसील में कांग्रेस कमेटी द्वारा किसानों के समर्थन में तीनों कृषि कानून और बढ़ती महंगाई के विरोध में नेशनल हाईवे हसनपुर बाईपास तिराहे पर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन और विशाल रैली का आयोजन किया गया। जी हां, हम आपको बता दें कि चक्का जाम किसानों के समर्थन में कृषि बिल और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में लगातार केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए जा रहे दामों को कम करने के लिए रखा गया था। इस धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम में क्षेत्रीय विधायक सुजीत सिंह चौधरी, पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी, पर्यवेक्षक अशोक तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष बेजू वर्मा, राजेंद्र पटेल, बंटी पटेल, राजेंद्र शर्मा, ईश्वर सिंह चौधरी, अमित चौरसिया, राम मनोहर शर्मा, तीरथ ठाकुर, कपिल वर्मा, अंकित पांडे, शादी कली मीरशावी ठाकुर समेत सभी कांग्रेस पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता एवं किसान बंधु मौजूद रहे। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, तीनों काले कानून वापस लो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। जय जवान जय किसान। केंद्र सरकार के विरोध में, महंगाई के विरोध में, काले कानून के विरोध में जवान कांग्रेस कमेटी के तत्वधान और विधायक चक्रवान और चक्का जाम किया गया। हम प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि काला कानून तुरंत वापस लें और महंगाई पर रोक लगाएं। अगर ये नहीं लगाएंगे तो हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा जिले में अग्र आंदोलन करेंगे और किसानों के में हर संभव जो लड़ाई लड़ सकते हैं वो लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद जय भारत। आज चक्का जाम किया गया था वो इसलिए कि पूरे भारत में किसानों के खिलाफ में जो मोदी सरकार ने तीन काले कानून लाए हैं उसे वापसी करने के लिए और जो महंगाई हमारे पेट्रोल डीजल और हर चीज़ में है उसे तत्काल वापस लें। इस संबंध में आने वाले समय में यदि मान लीजिए ये काले कानून और महंगाई कम नहीं की गई तो और बड़े पैमाने पर आंदोलन किए जाएंगे, यही हमारी मांग है। आज माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं हमारे सांसद माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश पर आज हमारे चौरी विधानसभा में ये नगर चौरी में सिवनी रोड बाईपास पर यह चक्का जाम का आयोजन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं समस्त कांग्रेस के संगठन के माध्यम से किया गया। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि पिछले 75 दिन से दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, उसी किसान आंदोलन के समर्थन में जो तीन कृषि कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाई है, जो काले कानून है उसको वापस लेने के लिए कि जल्द से जल्द ये सरकार वापस ले, ये धरना प्रदर्शन चक्का जाम जो आज हमने यहाँ पर किए थे, क्योंकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो इसलिए समय का ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम को अभी समाप्त कर दिया गया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। पूर्व में भी उन्होंने किसानों के साथ लगातार धोखे किए हैं, बड़ी बड़ी बातें करी हैं लेकिन किसानों का कोई भी भला नहीं कर पाया। आज यूरिया के रेट देख लो, जो 100 रुपये की यूरिया थी वो 300 रुपये हो गई। पेट्रोल जो 60 रुपये लीटर था, आज पेट्रोल के रेट जो हैं वो 98-99 रुपये लीटर हो गए हैं। डीजल के रेट जो हैं वो 85-90 रुपये के आसपास हो गए हैं। रसोई गैस के अभी बजट में जो रेट हैं वो 25 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये सब्सिडी की बात करते हैं, सब्सिडी तो इन्होंने दी नहीं, धीरे धीरे करके पूरी सब्सिडी ख़त्म कर दी। आज सिलेंडर के रेट देखिए आसमान पे हैं, डबल रेट हो गए हैं। तो आने वाले समय पे निश्चित तौर पर ये किसान और जो जनता है ये भाजपा को करारा जवाब देगी। कमलनाथ जी के और नकुलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम सारे कांग्रेस परिवार के लोग किसानों से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे आंदोलन में वो सहयोग करें और ये इस किसान विरोधी सरकार को बाहर करें।
आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान में ब्लॉक कांग्रेस चौराहे में आज चक्का जाम का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें महंगाई के विरोध में, काले कानून के विरोध में ये चक्का जाम किया गया है, किसानों के समर्थन में ये चक्का जाम किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जो केंद्र की सरकार ने ये काले कानून लाए हैं, इनको तत्काल वापस लें, यही हम लोगों का कहना है, यही किसानों की मांग है। धन्यवाद। जय हिंद। मध्य प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर चौरई विधानसभा चांद चौरी मिलाकर के यहाँ चौरी में आज हाईवे पे चक्का जाम किया गया, किसानों के सम्मान में एक रैली का आयोजन हुआ और आज जो तीनों काले कानून किसान विरोधी हैं उन्हें तत्काल वापस लें और सरकार अपनी हठधर्मी छोड़े। किसान जो अन्नदाता कहलाता है उनका तो कुछ सम्मान करें, क्योंकि किसी ने नहीं कहा था इनसे कि आप काले कानून लेकर के आओ और बनाएं, पर आज अगर गलती अगर इनसे हुई है तो उसको वापस ले लें और फिर से नए सिरे से कानून जो है किसानों से सलाह लेकर के बनाएं। आज महंगाई का इतना दौर चल रहा है कि डीजल पेट्रोल जो है 100 पार हो रहा है, तो ये अगर डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो पूरे खाद्यान्न के रेट, पूरे कपड़े से लेकर हर चीज़ महंगी, लोहा महंगा, सभी चीज़ महंगी हो रही है। तो ये महंगाई पर काबू करने के लिए हम लोगों ने ये जो है एक मांग की है कि जल्दी से जल्दी ये महंगाई को कम करें, किसानों के खिलाफ लाए गए तीनों काले कानून वापस, ये हमारी मांग है। इसके लिए चक्का जाम आज अभी 2-3 घंटे से हुआ और अब हम इसको सोच रहे हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है, उन्हें हम क्षमा चाहते हैं और ये जो है आंदोलन जो है समाप्त किया। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में और उनके आह्वान पर हमने चौरई और चांद में मिलकर के यहाँ चौरई में चक्का जाम का आयोजन किया। हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो कृषि के संबंध में तीन काले कानून किसानों के विरोध में बनाए गए हैं उनको वापस लें, साथ में जो हर चीज़ों में कमर तोड़ महंगाई है, जब से भाजपा की सरकार बनी है सभी चीज़ों के दाम, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, राशन, जितने भी चीज़ें हैं दैनिक ज़रूरत की सबके दाम बहुत अधिक बढ़ गए हैं, तो महंगाई तुरंत कम करें, इसी के तहत हमने चक्का जाम का आयोजन किया। हमें खेद है कि थोड़ा सा असुविधा लोगों को ज़रूर हुई, पर सरकार को चेताना भी आवश्यक होता है। जनहित में ही हमने ये निर्णय लिया और थोड़ी देर के लिए 3 घंटे के लिए हमने चक्का जाम किया ताकि सरकार सही ढंग से चेते और तुरंत काले कानून वापस लें और साथ में महंगाई कम करें ताकि आमजन को इसकी सुविधा मिल सके। धन्यवाद। समय जगत के लिए जिला ब्यूरो चीफ अजीत पांडे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।